नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर जांच आयोग के गठन की मांग की है। वाराणसी में पीएम मोदी ने अरबों की योजना जनता को समर्पित की, जहां पीएम आज 5 घंटे तक वाराणसी में ही रहेंगे। पिछले 2 दिनों से देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे के दौरान 41,806 कोरोना के नए मरीज मिले, वहीं 581 लोगों की जान चली गई। केरल में 5 और लोगों में पाया गया जीका वायरस, राज्य में अब तक कुल 28 संक्रमित मिले हैं। भारतीय गहनों के एक्सपोर्ट में हुई बढ़ोतरी, जून में देश से बाहर गई 21,000 करोड़ की ज्वेलरी। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संभावित तीसरी लहर ने राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। इसके बावजूद कई राज्यों ने अपने यहां स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं, जहां आज से महाराष्ट्र और गुजरात में भी स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कांवर यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में नहीं घुसने देगी उत्तराखंड पुलिस, यात्रियों को रोकने के लिए बनाई गई है फुल प्रूफ रणनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दुशांबे यात्रा हुई संपन्न, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद वे वापस लौट रहे हैं। टाटा ने तेज की एयर इंडिया को खरीदने की पॉलिसी, जहां सितंबर में खत्म हो रही है बोली दाखिल करने की समय सीमा। ट्विटर से जानकारी मांगने में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत, भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम पालन ना करने को लेकर ट्विटर सरकार के निशाने पर है। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, यूपी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रहा है। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जहां पुल का पाया सहित कई जगहों से टूटने लगा है। डीएम के निर्देश पर नौसे पुल निर्माण निगम के अधिकारी ने स्थिति का लिया जायजा। आपको बता दें कि ये पुल बिहार के कई जिलों को जोड़ती है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिला भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने कहा है कि पानी को लेकर उत्तर पश्चिमी जिले के हर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। कई बार हमने प्रदर्शन किए, लेकिन दिल्ली सरकार ने पानी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। नवजोत सिंह सिद्धू बन सकते हैं पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष, बस कांग्रेस हाईकमान की घोषणा है बाकी। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा का विरोध करने वाले हुड्डा समर्थक विधायक अब खुद फंस गए हैं, जहां पार्टी हाईकमान ने पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन में इन विधायकों की भूमिका की रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के कोचिंग संचालकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से कहा है कि या तो सरकार कोचिंग खोले या उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे। सिंधी समाज अपनी गुरु माता हासी देवी का 195वां जन्मोत्सव आज से 18 जुलाई तक मनाने जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में विशेष व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा जालंधर स्थित सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर की नई आईजी होगी। ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली देश की वह पहली महिला अधिकारी होगी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश शिमला से आज डाडा सिवा पहुंचेगा। जम्मू में 400 डेंटल सर्जनों, 800 स्वास्थ्य कर्मियों को क्लिनिक खोलने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है। आज चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल, बंगाल में खाली 6 विधानसभा सीटों के लिए जल्द उपचुनाव कराने की करेंगे मांग। वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस के सहयोग से 6 घंटे का उड़ीसा बंद का व्यापक असर उत्तर उड़ीसा के भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज में देखने को मिला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को भी कई बार पूछताछ के लिए ईडी बुला चुकी है। गुजरात में कोरोना के कहर कम होने के साथ ही स्कूल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्थान आज से खोल दिए गए हैं, जहां कक्षा 12वीं के बच्चों को 50% बैठक क्षमता के साथ स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था शुरू करने को कहा गया है। राजस्थान के जोधपुर में 9,600 लीटर नकली डीजल बरामद हुआ, जहां सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
स्ट्रॉबेरीज दिल से लेकर डायबिटीज तक में फायदेमंद साबित होता है। स्ट्रॉबेरीज एंटीऑक्सीडेंट का एक भरपूर स्रोत है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मददगार होता है, इसलिए इसका सेवन जरूर करें। रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय ने सिविलियन के पद पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर गए भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत को हुआ कोरोना, इस स्थिति में वे टीम के साथ डरहम की यात्रा नहीं करेंगे। मुंबई महानगर पालिका ने अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा की एक तरफ की दीवार तोड़कर सड़क चौड़ी करने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते MNS ने उनके घर के सामने एक पोस्टर लगाकर दीवार तोड़ने में सहयोग दिखाने की अपील की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।